मैं भी हूँ तू भी है आमने सामने। मेरा नाम अभिन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं फिर से नए वीडियो पर। दोस्तों इस वीडियो स्टार्टिंग से जो दोस्तों व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो देखा दोस्तों, इसी तरह से व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो आप अपने मोबाइल पर बनाना चाहते हो या उसी तरह व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो में आप अपना फोटो लगाना चाहते हो तो इस वीडियो थोड़ा सा स्टार्टिंग से लास्ट से लगना होगा। और इसके लिए आपको जितने भी फोटोज जितने भी फाइल्स की जरूरत पड़ेगी उन सबका लिंक बनाकर मैं डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। सबसे पहले उस लिंक को आपको डाउनलोड कर लेना है। वीडियो से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटे से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वैसे ही एडिटिंग के रिलेटेड बहुत वीडियो देखना चाहते हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो गाइस चले ले स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सो दोस्तों मैं ऑलरेडी आ चुकी हूँ मोबाइल के स्क्रीन पर। दोस्तों तो मोबाइल के स्क्रीन पर दोस्तों आने के बाद आपको क्या करना होगा, सिंपल से आपको काइन मास्टर को ओपन करना है। ठीक है दोस्तों, काइन मास्टर को ओपन करने के बाद आपको क्या करना होगा, सिंपल से आपको यहाँ पे प्लस वाला आइकन दिख रहा है दोस्तों, बीच में देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन डेट 16:9 को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ फोटो मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ फोटो सेलेक्ट करना है। जो फोटो में ये सारी ये सब फोटो की मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है तो डाउनलोड कर लेना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले करके यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल से टिक पर क्लिक करना है। टिक पर क्लिक करने के बाद आपको बीच में आ जाना है। बीच में आने के बाद आपको दो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ जैसे सीजर के पास एक ऑप्शन आ गया, देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का जूम कर देना है। ठीक है, जूम करने से क्या हुआ कि जो वीडियो भी देख सकते हैं कुछ इस तरह से एनिमेशन ऐड हो जाएगा। ठीक है तो इस तरह का एनिमेशन आप सभी फोटो में ऐड करना है। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर फटाफट से सभी फोटो में एनिमेशन ऐड कर लेती हूँ जूम करके। ठीक है दोस्तों, इस तरह का आपको एनिमेशन ऐड कर लेना है। ठीक है तो मैं फटाक से सभी फोटो में एनिमेशन ऐड कर लेती हूँ कुछ इस तरह का। दोस्तों सभी में एनिमेशन जो सभी को जूम करके एनिमेशन क्रिएट करने के बाद आपको सिंपल से आपको फास्ट में आ जाना है। दोस्तों फास्ट में आ जाने के बाद आपको दो फोटो के बीच आपको एक मैंने मेरा फोटो था, देख सकते वीडियो स्टार्टिंग से देखा होगा कि दो फोटो के बाद मेरा फोटो निकला और उसमें एक कलर फायर एनिमेशन निकला। इसी तरह से कलर फायर एनिमेशन निकालने के लिए आपको सिंपल से मीडिया पर चला जाना है। मीडिया पर जाने के बाद आपको एक आपका फोटो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, मेरा यहाँ पर मैं एक फोटो सिलेक्ट कर लेती हूँ। दोस्तों फोटो में भी आपको कुछ इस तरह का जूम करके एनिमेशन ऐड कर देना है कुछ इस तरह का। ठीक है, इस तरह का इस टाइप का। इस टाइप करने के बाद आपको जो सभी फोटो का ड्यूरेशन जो है कुछ इस तरह का छोटा कर देना है। बस आपका फोटो का छोड़कर आप सभी फोटो का ड्यूरेशन थोड़ा कम कर देना है ताकि वो स्पीड में गुजरेगा और आपकी जो फोटो है वो स्लोमो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फटाक से सभी फोटो ड्यूरेशन जो है फिर से कमा देती हूँ। दोस्तों तो आप सभी फोटो का ड्यूरेशन कम करने के बाद आपको सिंपल से स्टार्टिंग में आ जाना है। स्टार्टिंग में आने के बाद आपको फिर से प्ले करके दिखना है, देखना है कि कैसे किस तरह से बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पे जैसे कुछ जिस तरह से हमारा बना हुआ है हो गया है स्टेटस। इसके बाद आपको क्या करना होगा, मैंने वीडियो स्टार्टिंग से बताया इसको को कलर इफेक्ट लगाना है। ठीक है दोस्तों, वो कलर इफेक्ट आप मैं वीडियो को आगे जाकर बताऊंगा तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। ठीक है दोस्तों, स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाए। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट में आने के बाद आपको क्या करना होगा, सिंपल से लेयर पर चला जाना है। लेयर पर जाना, मीडिया पर जाना है। दोस्तों मीडिया पर जाने के बाद आप देखते थे कि मेरे वीडियो स्टार्टिंग से मेरे फोटो पे लिखा रहता है दोस्तों, उस लिखा का नाम है आई मूवी ब्लैक स्क्रीन। ठीक है दोस्तों, उसको आपको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है तो उसका लिंक भी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो चाहे तो उस लिंक को आपको उस लिंक से उस इमेज को आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से होगा दोस्तों, उसको क्लिक करने के बाद आपको सिंपल से ओके पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद उसको फुल स्क्रीन करना है, देख सकते हैं कुछ इस तरह का होगा दोस्तों। मतलब फिर से आपको उस टेबलेट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपल ब्लेंडिंग में ऑप्शन चले जाना है। ठीक है, ब्लेंडिंग में चले जाने के बाद आपको सिंपल से स्क्रीन वाला ऑप्शन को यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों हम देख सकते हैं कुछ इस तरह का मैं भी हूँ तू भी है आमने सामने जो लिखा था वो यहाँ पे सेट हो गया है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना का दोस्तों, सिंपल लेयर पे जाना है। लेयर पे जाना, मीडिया पे जाना। मीडिया पे जाने बाद आपको हार्ड इमेज लॉक टेम्पलेट यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट करना कराने बाद आपको यहाँ पे सिंपल से फुल स्क्रीन करना है। दोस्तों फुल स्क्रीन के बाद आपको सिंपल से फिर से उस टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसका जो साउंड है इसको आपको म्यूट कर देना है। म्यूट करने के बाद फिर से आपको टेम्पलेट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपल से ब्लेंडिंग में चला जाना है। दोस्तों ब्लेंडिंग में चला जाने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल से स्क्रीन ऑप्शन पर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे सेट हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको आपके फोटो के सामने एक और एक कलर फायर इफेक्ट लगाना है। मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, उसको सिलेक्ट करने के लिए आपको सिंपल से लेयर पर जाना है। दोस्तों लेयर पर जाना, मीडिया पर जाना है। मीडिया के जाने बाद आपको सिंपल सी उस कलर फायर इफेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसका भी लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। ठीक है, सबसे पहले उस लिंक आपको
सबसे पहले तो उस लिंक से आपको इस इफेक्ट कलर फायर इफेक्ट को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सिलेक्ट करना है, फुल स्क्रीन करना है। फुल स्क्रीन करने के बाद आपको टिक करना है। टिक करने के बाद फिर से उस टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ब्लेंडिंग में चला जाना है। ब्लेंडिंग में चला जाना होता है, यहाँ पे उसको सिंपल से स्क्रीन पर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सिंपल से स्क्रीन करने के बाद आपको फिर से प्ले करके देखना है कि किस तरह से सेट हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते कुछ इस तरह से सेट हो गया है। ठीक है, इसको सो गाइस देख सकते कुछ इस तरह से टैटू होगा। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपन कोई भी फोटो का आप ट्रेंडिंग टैटू वीडियो बना सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्टेटस बन के रेडी हो गया है। ठीक है, रेडी होने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पे शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रेजोल्यूशन सिलेक्ट करना है। देन इसके बाद आपको इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। ठीक है, फोटो को लेकर ट्रेंडिंग टैटूज वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। सोगज आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ फिर। सोगज आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ फिर नई वीडियो में। तो खुले बाय बाय, जय हिंद जय भारत।